हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं भी रोते हुए व्लॉग की स्टार्टिंग नहीं करना चाहती। सो जस्ट मैं बताना चाह रही थी कि मैं बहुत दर्द में हूँ आज, एंड आई एम रियली नॉट फीलिंग गुड। सो इसीलिए मैं बाहर जा रही हूँ क्योंकि मुझको दवाई देनी है। आज संडे है और आज हमारे कैंप में जो हॉस्पिटल है वो बंद होता है। एंड पता है क्या होता है कि आपको ना लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर आपको छोटी सी भी चोट लग जाए तो उस पर थोड़ा अटेंशन दिया करो। जैसे मैंने नहीं दिया था अपने हाथ पे, अब ये प्रॉब्लम बढ़ गई है मेरी। पहले इन्फेक्शन हुआ था और अब आई डोंट नो क्या हो रहा है, पूरे हाथ में स्वेलिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैंने अपने जो लास्ट व्लॉग की एडिटिंग थी वो भी लेफ्ट हैंड से किया है, जैसे तैसे थोड़ा बहुत उसका यूज़ करके। और अब मुझे इसका भी नहीं पता कि मैं कितना इस पर कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। जो भी है, करनी तो है व्लॉगिंग। बाकी ये वाला हाथ नहीं काम कर रहा तो क्या हुआ, लेफ्ट हैंड से बाएं हाथ से काम करेंगे हम। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। सो इसीलिए मेरे को बाहर जाना है और डैडी आ रहे हैं साथ में, क्योंकि बाहर ना आने जाने का पास होता है तो वो बना नहीं है अभी। एक्चुअली उसमें साइन होने बाकी हैं कुछ, सो इस वजह से डैडी साथ आ रहे हैं मेरे गेट तक, ताकि उसके आगे मुझे वो जाने दें। और यार क्या बताऊँ मैं, आज तो बहुत ज़्यादा मतलब मेरा दिन पूरा दर्द में निकला है। बहुत दर्द था मेरे हाथ में आज, बहुत ज़्यादा। मतलब दवाई खाकर भी असर नहीं हो रहा है। आई थिंक कि चेक करवाना पड़ेगा अच्छे से। मंडे भी जा सकते थे बट एक्चुअली रात को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, फिर मैंने कहा कि बाहर से अर्जुन में ले आओ, फिर कल देख लेंगे क्या होता है। काफ़ी हवा चल रही है यार आज। आज जिस जगह पे मैं आई हूँ ना, यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ गई यार। मतलब बड़ी ही डिफरेंट जगह है या। आज संडे को बाहर भी डॉक्टर नहीं बैठे, अंदर भी डॉक्टर नहीं है। अब तो मैं केमिस्ट शॉप से दवाइयाँ ले लेती हूँ। डन, काम तो मेरा हो गया। आई डोंट नो मैं कितना ऑडिबल हूँ, बाहर मुझे पता नहीं होता मैं कितना ऑडिबल होती हूँ। तो मैं थोड़ी देर ना बाहर घूमने आई हूँ, क्योंकि थोड़ी देर पॉल्यूशन ले लूँ। इतनी हवा चल रही है यार, ये देख सकते हो, पेड़ों से अंदाज़ा लगा सकते हो इतनी हवा चल रही है। वैसे तो मेरा काम सारा हो गया, यहाँ पे आने का कोई मतलब नहीं था। मैं इधर इसीलिए खड़ी हूँ क्योंकि यार अंदर से ना बाहर आने के लिए बहुत परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है। तो मैंने सोचा मैं बाहर घूम ही तो थोड़ी देर यहाँ पे घूम कर फिर जाऊँ, क्योंकि मेरा काम 2 मिनट में हो गया यार, 2 मिनट से भी जल्दी हो गया। मैं गई डॉक्टर के पास, वहाँ डॉक्टर था नहीं, फिर मैं केमिस्ट के पास गई और वहाँ से मैंने दवाई ले ली। उसने कहा मैडम आपको इससे ही आराम हो जाएगा, आपको दोबारा आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आई कैन ट्रस्ट हिम आई थिंक, क्योंकि केमिस्ट लोगों को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है हर मर्ज के बारे में। तो बस मैंने उससे दवाइयाँ ले ली एंड नाउ इट इज़ गुड। इधर देखो आंटी कितना हार्ड वर्क कर रही है ना। यहाँ देखो मैं इतनी छोटी सी पैकेट लेके घूम रही हूँ, आंटी इतनी बड़ी थोड़ी लेके घूम रही है। कुछ काम ही नहीं था यार वहाँ पे। अरे यार मतलब बाहर इतना ज़्यादा शोर है यार, अब ज़्यादा लगने लगा है, बहुत दिन से अंदर रहते हैं ना, सो अब लगता है बाहर कितना ज़्यादा शोर है यार, अंदर इतनी शांति है ना, ज़्यादा ट्रैफिक की आवाज़ बहुत ज़्यादा है। ओह यहाँ पे बहुत ताज़ी हवा है। पता है यार यहाँ पे ना ऑटो वाले बड़े परेशान करते हैं, बाहर जाओ ना हमारे गेट के बाहर बहुत सारे ऑटो वाले होते हैं। मैडम जाना है, मैडम जाना है, मैडम चलो, मैडम बैठो, मैडम मैडम कहाँ, मैडम मैडम को कहीं नहीं जाना है यार, मैडम को यहीं जाना है। बहुत तंग करते हैं यार ऑटो वाले यहाँ पे। सो ये एडिटिंग भी मैं करूँगी अपने बाएँ हाथ से, क्योंकि यार एडिटिंग में बहुत ज़्यादा हाथ से प्रॉब्लम हो रही है तो मैं नहीं करूँगी। यहाँ पर एक पता है टेस्ट चल रहा है, पता नहीं कोई ऐसा टेस्ट चल रहा है तो उसकी अरेंजमेंट हो रखी है। यहाँ पे मैंने डैडी से पूछा तो उन्होंने बताया यहाँ पे टेस्ट चल रहा है। सो आई डोंट नो क्या क्या होता होगा, कोई फिजिकल टेस्ट भी होता होगा, रिटर्न भी होता होगा। मैंने मास्क लगा लिया जिससे मुझे घर पे डांट ना पड़े। रोटी क्यों नहीं खाता भाई, पनीर मांगता अपन को। ओके लिया आई एम बैक, फाइनली आई एम बैक। क्या भूत बन के आई हूँ यार मैं। मम्मी मैं आ गई। हाँ सिर्फ उसने 2 दवाई दी है और कहा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ था ही नहीं। उन्होंने कहा बस 2 दवाई खाओ फिर ठीक हो जाओगे। अब नहीं वो नहीं दिखाई, उन्होंने कहा कि बस 2 दवाई खाओ आप ठीक हो जाओगी। तो थक गए
सो लेसन ऑफ द डे, आपको किसी भी चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, चाहे वो छोटी सी चोट क्यों ना हो। भले ही आप उसे सोचें वो छोटी है, बट वो छोटी नहीं होती, कभी कभी वो बड़ी बन जाती है। सो कभी भी केयरलेस नहीं बनो। जैसे कि मैंने बिल्कुल केयरलेसनेस दिखाई थी, इतनी बार अपने हाथ वॉश किए थे, इतनी बार साबुन लगाया था, इस वजह से इन्फेक्शन बढ़ गया और मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई। तो इस तरह की गलतियाँ मैं नहीं करनी चाहिए। सो दैट्स इट। वैसे मैंने बहुत कुछ प्लान्स थे मेरे, कुछ कोविड की वजह से रह गए और कुछ बस सिचुएशन ठीक नहीं है। एक बार मैंने क्लासेस लेने गई थी गाने की, तो उन्होंने क्या बोला कि आपको अगर गाना सीखना है ना तो आप क्या करो, यूट्यूब पे वीडियो देखा करो और उनके साथ गाया करो। और मैं एक दिन क्लास लगाने गई थी और अंकल ने एक दिन में मुझे इतना ज़्यादा ज्ञान दे दिया ना, अगली बार मैं गई नहीं, मैंने जाना ही छोड़ दिया। तो अंकल ये तो मैं खुद भी कर सकती थी, आपने क्या सिखाया मुझे। ठीक है यार, खुद ही करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, बट वट अबाउट वुमेंस, दे आर ऑलरेडी परफेक्ट। मुझे छत से बुलाया गया ये खून पीने के लिए। खूनी लड़के, तो ये किसका जूस पिला रहे हैं मुझे? टपक रही है उनका। सबसे ज़्यादा बकवास लगता है मुझे ये जूस से बना है। नहीं, ये है बीट रूट कहते हैं उसे, बीट रूट का जूस। आंटी पीछे देख रही है तो पी नहीं रही। अरे पीछे तू क्यों देख रही है? बहुत अच्छा है गाइस, आप भी ट्राई करो, एक्सप्रेशन से मत जाओ, इट इज़ वेरी गुड। दूसरों का खून मार के खून पी दिया यार, चुड़ैल है, देखो ना खून निकाले इसके। तो इसे पीने के बाद लिपस्टिक लानी जाती है। अरे हाथ थक जाएगा भाई, तू कितनी देर में पिएगी? ब्लड टास्क, ब्लड इज डन। ये 26 जनवरी निकल रही है, पर मेरे को गाना गाना था उससे, मुझे गाना नहीं आता, तो मेरा मन था कि मैं ये वाला सॉन्ग गाऊंगी। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। ये क्यों लहरा रहा है यार? इतनी ज़्यादा तेज है देखो। लोग चाहे तो अपने घर में भी बना सकते हैं ये एयर टेस्टिंग मीटर। रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं बिंदु पहरियां,